नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप समझेंगे शब्दों में डबल एस कब लिखते हैं और साथ ही साथ जानेंगे ई को ई कब पढ़ते हैं और ई को एक कब पढ़ते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक व्यूअर ने पूछा है बॉस में डबल एस क्यों है। दोस्तों, इस तरह के सवाल अगर आपके माइंड में है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बॉस में डबल एस क्यों है? इस सवाल को कुछ इस तरह से कर लेते हैं, शब्दों में डबल एस कब लिखते हैं, जिससे कि जिन शब्दों में डबल एस आता है वो सभी शब्द कवर हो जाएंगे। दोस्तों, शब्दों में डबल एस कब लिखते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है जिन शब्द या शब्दांश में केवल एक ही वाउल हो, जिसका शॉर्ट साउंड हो और एस से समाप्त होने वाला हो, तब एस को डबल लिखते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी को ताज़ा करने के लिए आपको बता दूं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें 5 वाउल होते हैं, जिनके दो प्रकार के साउंड होते हैं, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। दोस्तों, अगर आप वाउल के शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड रूल इन डिटेल समझना चाहते हो तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज चेकआउट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आप समझिए शब्दों में डबल एस कब लिखते हैं, जिसका रूल मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है और इसका एग्जाम्पल है पास। पास शब्द में केवल एक ही वाउल ए आया है और शब्द एस से समाप्त होने वाला है, इसलिए एस को डबल लिखा गया है। अगला एग्जाम्पल है लेस। लेस शब्द में केवल एक ही वाउल ई आया है और शब्द एस से समाप्त होने वाला है, इसलिए एस को डबल लिखा गया है। अगला एग्जाम्पल है किस। किस शब्द में केवल एक ही वाउल आई आया है और शब्द एस से समाप्त होने वाला है, इसलिए एस को डबल लिखा गया है। अगला एग्जाम्पल है बॉस। बॉस शब्द में केवल एक ही वाउल ओ आया है और शब्द एस से समाप्त होने वाला है, इसलिए एस को डबल लिखा गया है। अगला एग्जाम्पल है फस। फस शब्द में केवल एक ही वाउल यू आया है और शब्द एस से समाप्त होने वाला है, इसलिए एस को डबल लिखा गया है। दोस्तों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शब्दों में डबल एस कब लिखते हैं। दोस्तों, इस रूल के कुछ अपवाद हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे गैस, हिज, वास, अस। तो दोस्तों, ये अपवाद हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। दोस्तों, अब समझिए ई को ई कब पढ़ते हैं और ई को एक कब पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए ई को ई कब पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका रूल है किसी शब्द या शब्दांश के अंत में केवल ई हो और ई से ही शब्दांश समाप्त हो जाए, तब ई को ई पढ़ते हैं। जैसे ही शब्द के अंत में ई आया है और ई से शब्द समाप्त हुआ है, इसलिए ई को ई पढ़ते हैं। इसी तरह वी शब्द के अंत में ई आया है और ई से शब्द समाप्त हुआ है, इसलिए ई को ई पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है सी शब्द के अंत में ई आया है और ई से शब्द समाप्त हुआ है, इसलिए ई को ई पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है मी शब्द के अंत में ई आया है और ई से शब्द समाप्त हुआ है, इसलिए ई को ई पढ़ते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी शब्द या शब्दांश के अंत में केवल ई हो और ई से ही शब्दांश समाप्त हो जाए तो ई को ई पढ़ते हैं। दोस्तों, अब समझिए ई को ए कब पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका रूल है जब शब्दांश में दो कंसोनेंट के बीच केवल सिंगल ई हो, तब ई को ए पढ़ती है। जैसे हैन शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई आया है, इसलिए ई को ए पढ़ती है।
अगला एग्जाम्पल है वेल। वेल शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई आया है, इसलिए ई को ए पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है सेट। सेट शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई आया है, इसलिए ई को ए पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है मेंड। मेंड शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई आया है, इसलिए ई को ए पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जब शब्दांश में दो कंसोनेंट के बीच केवल सिंगल ई हो तब ई को ए पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों फीमेल शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई है तो ई को ई क्यों पढ़ते हैं, ई को ए क्यों नहीं पढ़ते? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब देने से पहले इन शॉर्ट आपको सिलेबल और वर्ड के बारे में बता देता हूँ ताकि इस सवाल का जवाब आप आसानी से समझ जाएं। दोस्तों सिलेबल में केवल एक ही वाउल साउंड होता है, जैसे ही, हेल, बी, बेस्ट, माय, जबकि वर्ड में एक से अधिक वाउल साउंड होते हैं, जैसे वाटर, टाइगर, मॉस्किटो। तो दोस्तों इस रूल्स के अनुसार फीमेल शब्द में दो वाउल साउंड आए हैं, पहला साउंड ई का आया है और दूसरा साउंड ए का आया है, इसलिए पहला सिलेबल फी है और दूसरा सिलेबल मेल है। पहले सिलेबल में एफ के बाद ई का साउंड इस रूल को फॉलो करता है, शब्द या शब्दांश के अंत में केवल ई हो और ई से शब्दांश समाप्त हो जाए तब ई को ई पढ़ते हैं। अगर दोस्तों दूसरे सिलेबल मेल की जगह पर डबल एल या एल टी लिख देते हैं जो शब्दांश नहीं है केवल लेटर्स हैं तब ई को ए पढ़ते हैं, क्योंकि ई का साउंड इस रूल को फॉलो करता है, जब दो कंसोनेंट के बीच केवल सिंगल ई हो तब ई को ए पढ़ते हैं। और अच्छी तरह से समझने के लिए और एग्जांपल देखिए, जैसे ही, ही में केवल एक ही वाउल ई है और ई से ही शब्द समाप्त हो गया, इसलिए ई को ई पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें डबल एल जोड़ दें तब ई को ए पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे हेल पढ़ा जाएगा। अगर शब्दांश आर ओ रो जोड़ दें तब ई को ई पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे हीरो पढ़ा जाता है। इसी तरह से बेस्ट। बेस्ट शब्द में ई का साउंड ए है, अगर लेटर एस टी की जगह पर किसी शब्दांश को जोड़ दें जैसे कम को जोड़ दें तब ई का उच्चारण ई होगा और इसे वी कम पढ़ा जाएगा। इसी तरह से रेंट। रेंट शब्द में ई का ए साउंड है, लेकिन जैसे ही हम इसमें एन टी लेटर की जगह पर किसी शब्दांश को जोड़ते हैं जैसे कॉल, तब यहाँ पर ई का साउंड ई होगा और इसे रिकॉल पढ़ा जाएगा। इसी तरह दोस्तों बिहाइंड, रिमाइंड, डिले, इन सभी शब्दों में ई के बाद सिलेबल आया है इसलिए ई को ई पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कब ई को ई पढ़ते हैं और कब ई को ए पढ़ते हैं।